स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आजमी लाइव पर। मैं हूं अंबेडकर स्टेडियम से सुपुर्द कप की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मौजूद हूं, यानी सुपुर्द कप की शुरुआत हो रही है। महिलाओं के यानी लड़कियों के अंडर 17 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं और यहां से शुरू होगा घमासान सुपुर्द कप का, जहां पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अंडर 17 के जहाँ लड़कियों के मुकाबले हो गए, वहीं यही दिल्ली पे अंडर 17 पुरुषों के लड़कों के मुकाबले होंगे, जबकि अंडर 14 के मुकाबले यानी लड़कों के अंडर 14 के मुकाबले बेंगलुरु में खेले जाएंगे। मेरे पीछे देख रहे हैं चमचमाती हुई सुपुर्द कप की ट्रॉफी जीतने वाले को मिलेगी। आज मैं बताऊंगा किस ग्रुप में कौन सी टीम है, किसे कहां, कौन से ग्रुप में कौन सी टीम खेलेगी। पहले महिलाओं की बात करता हूं, अगर महिलाओं की बात करूं तो सबसे पहले मणिपुर को ग्रुप एक में जगह मिली। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु, एमपी और नेवी की टीम है ग्रुप ए में। ग्रुप बी की बात करें छत्तीसगढ़, बीकेएसपी है, इसके अलावा चंडीगढ़ और आईएसएसओ है यहां पर ग्रुप बी में। ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में हरियाणा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और सीबीएसई की टीम है। ग्रुप डी में आसाम, जम्मू और कश्मीर की टीम है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और आईपीएससी की टीम को जगह दी गई है। इसी तरह ग्रुप ई की बात करें यानी पूल ई की बात करें तो पूल ई में त्रिपुरा, मिजोरम, दिल्ली और एनवीएस की टीम को मौका मिला, यानी उन्हें स्थान दिया गया है ग्रुप ई में। ग्रुप एफ की बात करें झारखंड की टीम, इसके अलावा एफ स्कूल है, गुजरात है और केरला है। ग्रुप जी में मेघालय, गोवा, उत्तराखंड और केवीएस की टीम मौजूद है। ग्रुप एच की बात कर लेते हैं बिहार, इसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा बात करेंगे डीएचएन एंड डीएनडी के साथ एनसीसी की टीम मौजूद है।